नाचो, क्योंकि मेरा पेपर हो चुके हैं ख़त्म। अब मैं करने वाली हूँ डेली ब्लॉग। आपको पता है मैंने जो इंट्रो बनाया था मेरे स्टार्टिंग का, वो क्या हुआ था, आगे का सीन तो सही था लेकिन उसके बाद वाला सीन उल्टा हो गया था, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा और मुझे दोबारा इंट्रो बनाना पड़ा। तो गाइज मैं अब क्या करने जाती हूँ, मैं अभी कुछ अपना रूम डेकोर करने, मैंने पहले सोचा DIY बनाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं रूम ही डेकोरेट कर लेती हूँ या टेबल का मेकओवर कर लेती हूँ। तो देखते हैं मैंने कैसे मेकओवर किया। जैसे मैंने सोचा था कि मैं कोई DIY बनाऊँगी, तो नहीं जी मैं वो नहीं बनाना चाह रही हूँ। मैं बनाना चाह रही हूँ, मतलब मैं बना रही हूँ अपना रूम नहीं डेस्क मेकओवर। तो उस मेकओवर के लिए मुझे थोड़े बहुत तो कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने किथिन कार्डबोर्ड लिया है और मैं दो चीज़ बनाऊंगी, एक तो मोटिवेशनल कोट्स और एक होगा मेरा एम बोर्ड या फिर टू डू बोर्ड, या मतलब मैं देखूंगी कौन सा बोर्ड होगा वो। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर ले लिया है और मैं इसका साइज चेक कर रही हूँ। ओह लकीली कितना अच्छा साइज़ आ रहा है इसका। अब मैं एकदम साइड्स को मिला के चल रही हूँ। आई वॉन्ट कि ये कवर हो जाए, बस ये हो रहा है कवर। आई नो इट कि ये कवर हो रहा है। ठीक है, देन आई एम हैविंग द स्टेपलर हियर। यहाँ पे मेरे पास स्टेपलर है क्योंकि ग्लू मेरा ख़त्म हो गया है। मुझे ग्लू बाय करके आना है, आज शाम को चलेंगे बाय करने थोड़ी बड़ी ग्लू। देखो गाइस ये मैंने इसको अच्छे से स्टेपल कर दिए यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर पहले बनाने वाले डिज़ाइंस, तो वो डिज़ाइंस मैंने सोची हैं जो, तो वो मैं करना चाहूँगी। मतलब वो बहुत नॉर्मल सा वाइट बैकग्राउंड टाइप नहीं लगाऊंगी एक बार मैं। आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। सबसे पहले इसके साइड्स कट कर लेते हैं। अगर सुसाइड से तो यहाँ पर इजी तो नहीं। तो यहाँ से मैं कर दूँगी राइट, ये मैंने कर दिया पेस्ट। मैं सोच रही उसको पेस्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि मैं सिंचाई नहीं करती हूँ जब कभी ना करूँ हो रहा है। अब मैं अपना ब्रश पेन निकाली जिससे मैं सोच रही लिखने की। तो आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग फ्रॉम ब्राउन। अब मैं अपना मोटिवेशनल कोड लिख रही हूँ। ये है मेरा टेबल, ये है मेरा शेल्फ और उस तरफ रखा मेरा ड्रॉअर। और ये देखो ये जो दो नीचे के आपको ड्रॉअर्स दिख रहे हैं, ये दोनों हैं मेरी दीदी के। और ये जो ऊपर वाला आपको ड्रॉअर दिख रहा है ना, ये है मेरा। आप ही देख के पहचान सकते हैं कि इसकी हालत कितनी अच्छी हो रही है। तो इसको ही ऑर्गेनाइज करूँगी अपने ड्रॉअर के साथ। बना रही थी वो मेरा बन चुका है। तो वो ये मेरा क्राफ्ट है, ये जिसमें मैंने टू रिमेंबर, सबसे पहले पिंक रेड ये मेरा थीम है एंड मैंने इसमें लिखा है रेड ब्राउन ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पे टू रिमेंबर वाली चीज़ें हैं कि माई एम एंड वाटर वेयर इज़ ऑन डेस्क। तो ये मेरा बोर्ड है जिसको मुझे हमेशा पढ़ना होगा जब भी आई फील वेरी tired or I feel very मतलब I feel like I don't want to study, I will read this and I will get power। तो guys अब ये सारी चीज़ें तो होगी। अब मैं पीछे से लगा रही हूँ टाइम लैप्स, फिर आप देखते रहना how I am changing my room।
ऑर्गेनाइज हो चुका है। मैं अपनी रफ कॉपी अपने टेबल पर रखती हूँ। आप मेरा पेन स्टैंड देखो, ये सारा हो गया। मेरे पास अभी 2 किट्स हैं फिलहाल। ये मेरी डेली डायरी वाली है, ये मेरे स्कूल के, दोनों पिंक सेम है। और ये मेरे गणपति पापा। यहाँ पे मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट और एक पानी की बॉटल रखी हुई है। ये मेरा शेल्फ भी हो गया। एंड ड्रॉर दिखा देती हूँ, ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे 2 बुक आने दी थी तो मैंने ऐसे रख दी, और बाकी बुक ये रही। नीचे वाले शेल्फ में है मेरी नोटबुक्स, ये है मेरी नोटबुक्स, ये थोड़ा सामान है, मेरे हेयर एक्सेसरीज वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स। अब मुझे लगी थी थोड़ी भूख तो मैंने सोचा कर लेते हैं थोड़ा स्नैक्स, खा लेते हैं थोड़ा स्नैक्स टैप देख के। तो अब मैं टैप देख के खाने जा रही हूँ स्नैक्स। तो मिलती हूँ आपको स्नैक्स खा के। और पता है, रूम ऑर्गेनाइज करने में यही नहीं पता चला कब 2 घंटे बीत गए। 4 बज चुके हैं अब, जैसे आप देख ही सकते होंगे। और 6 बजे मैं जाऊँगी खेलने। सो गाइज, आज के मेरे जो मतलब जो मुझे करना था वो हो चुका है ऑर्गेनाइज, मेरा टेबल हो चुका है, मैंने अपना मंच भी कर लिया है, स्नैक्स भी खा लिए हैं। एंड जब 6 बजेंगे तब मैं जाऊंगी नीचे खेलने। तो रखनी इसलिए, अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5:35। तो अब देखते हैं, मुझे और भूख लग, मैंने पता है बस 2 पेठा खाया, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया ना सुबह खाया। तो आई थिंक मैं अभी मामी से बोलूँगी कुछ बनाने के लिए, एंड देन मैं वो खाऊँगी एंड देन नीचे जाऊंगी। तो देखते हैं, अगर शायद मैं खाऊं या शायद मैं ना खाऊं। तो गाइज, मैं नीचे जाऊंगी तब आपसे मिलूंगी। तो गाइज, अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं कुछ खाऊंगी, तो मैंने खाई पनीर और रोटी अपने, क्योंकि मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था। तो अभी मैं आधे घंटे बाद जाऊंगी खेलने। तो अभी मैं ऐसी बैठी हूँ क्योंकि आज कुछ करना ही नहीं है। फाइनली अब मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैं आपको खेलने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, मैं खेल के आ चुकी हूँ एंड पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो गाइज, मैंने देख लिया कि आरती हो चुकी है, तो मैया की आरती ले लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं मैया के। तो चलो मैया के दर्शन करने चलते हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय ओम जय दुर्गे माता जय दुर्गे। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को टीका लगा देती हूँ। पहले सबसे पहले माता रानी को, माता रानी के बाद फिर हमारी छोटी छोटी माताओं को, फिर इसके बाद कलश को, फिर इसके बाद अपने आप को। के बाद मेरी ड्राइंग बन चुकी है। तो 1, 2, 3, ये रही मेरी ड्राइंग माता रानी की। आप कमेंट में बताना आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। चलो खाना खाने चलते हैं और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस, आज का मतलब डिनर है पनीर और रोटी, तो मैं आपसे खा के मिलती हूँ। सो गाइस, अब मैं डेली डायरी लिखने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपको कल। बाय बाय।